चार धाम यात्रा शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। चारों धाम यात्राओं की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। टिहरी प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है ताकि चार धाम को आने वाले यात्रियों को टिहरी जनपद में कोई भी परेशानी न हो। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जहां जहां पर मलबा पड़ा हुआ है या स्लाइड जोन है उन्हें ठीक किया जाए और तत्काल मलबा हटाया जाए। पुलिस प्रशासन ने भी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, चारधाम को लेकर सभी डिपार्टमेंट के साथ दो दिन पहले हमने बैठक करी थी और 5 मई तक जहाँ जहाँ भी मलबा पड़ा है या स्लाइड्स पे जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है उसको व्यवस्थित करने के लिए, और कहीं अगर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो वहाँ पे सुरक्षा के उपाय जो भी करने हैं उसको करने के लिए डिपार्टमेंट्स को बताया गया है। इसमें मुख्यतः जो NH 58 है और NH 94 है और जो BRO का जो एरिया है वहाँ पर हमने बताया कि क्योंकि वो हाईवे से चारों धाम के जो यात्री जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए सख्त हिदायत दे दी गई है और सभी SDMs को भी कहा गया है कि उनके लगातार निरीक्षण करते हैं। हमारे पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यातायात व्यवस्था की होती है। हमारे टिहरी जनपद में थाना मुनिकीरेती, देवप्रयाग, कीर्ति नगर, केम्पटी और चंबा, ये मुख्यतः तो थाना है जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है। हमारे पास पार्किंग की भी इतनी पार्किंग की व्यवस्था है नहीं है क्योंकि वाहन काफ़ी क्षमता में आते हैं। हमारे अभी मुनिकीरेती क्षेत्र में लगभग 450 वाहनों की क्षमता है, केम्पटी में भी 500 वाहनों की क्षमता है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा के लिए 10 पर्यटन केंद्र भी बनाए गए हैं और सीजनल चौकियां, 7 सीजनल चौकियां बनती है और नियतन के हिसाब से मेन पॉइंट पे हमने ट्रैफिक पुलिस और जनपद थानों से पुलिस को तैनात किया जाता है।